أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. इसी करिकुलम से एक सब्जेक्ट है जिसका दूसरा सब्जेक्ट हमने शुरू किया हुआ करिकुलम में से, उनवान है उसका इवोल्यूशन ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज। आज हम इसका लेक्चर नंबर 7 आपको पढ़ाएंगे, जिसकी जो ना वो टाइटल है बुक्स सीरियल्स जर्नल्स मैगजीन न्यूज़पेपर्स। ये चूंकि वहाँ पे अलग अलग दिए हुए, लेकिन क्योंकि इसके बारे में थोड़ी बहुत नो हाउ होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट्स को, तो लेट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड के हमने क्या क्या चीज़ें इसमें से इनकम पास की। व्हाट इज़ अ बुक? बुक क्या है? अ बुक इज अ रिटन और प्रिंटेड वर्क कंसिस्टिंग ऑफ पेजेस ग्लूड आर सीन टूगेदर अलोंग वन साइड एंड बाउंड इन कवर्स। बुक प्रिंटेड वर्क है जो कि पेजेस पर मुश्तमिल होती है और बाइंड किया गया हुआ होता है, या यानी सील लिया हुआ, और एक एज से इसको सील लिया होता है, दूसरी जो है इसकी कवर्स होती है। इट टिपिकली कंटेन्स रिटन आर प्रिंटेड टेक्स्ट। इस पे क्या चीज मुश्तमिल होती है, या रिटन या प्रिंटेड चीजें। बुक मतलब कुछ हाथ से भी लिखी गई है, कुछ जो है प्रिंट फॉर्म में भी, ऑल्दो इट मे ऑल्सो इंक्लूड इलस्ट्रेशन फोटोग्राफ और अदर विजुअल एलिमेंट्स। अगरचे बुक के अंदर तस्वीरें भी होती हैं और नक्शे भी होते हैं या दूसरे जो विजुअल एलिमेंट्स भी होते हैं। बुक्स कैन कवर अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड जेनर्स। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे मबनी होती है, इंक्लूडिंग फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री, बायोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, फिलासफी एंड मोर। बुक की बहुत ज़्यादा किस्में होती हैं। फिक्शन यानी अफसाने होते हैं, गैर अफसाने होते हैं, और शायरी की भी किताबें होती हैं, बायोग्राफी की भी, हिस्ट्री की यानी तारीख की, साइंस की, फिलासफी की। इवन दुनिया का कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं है जहाँ पे मतलब उनकी सब्जेक्ट से रिलेवेंट कोई बुक ना हो। मज़हब से लेकर सियासत तक, रियासत तक, हर चीज़ के लिए बुक में जो है ये नॉलेज को अहाता किए गए। दे सर्व एज ए मीडियम फॉर स्टोरी टेलिंग, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। बुक का काम क्या है? इस पर मुख्तलिफ चीज़ें होती है, स्टोरी टेलिंग्स आपको बताती, तालीमी मवाद होते हैं, इंटरटेनमेंट की कुछ बुक्स जो है ना सर लोग पढ़ के इंटरटेन होते हैं, एंड डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। हर बुक का मकसद क्या है? इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट यानी फैलाओ, और आइडियाज़ को जो है जनरेट करना, उसको फैलाना। बुक्स आर ऑफन ऑर्गेनाइज इन टू चैप्टर्स आर सेक्शन एंड आर इंटेंडेड फॉर रीडिंग इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। आपने देखा होगा कि बुक्स को चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये बुक्स जो है ना आपको रीडिंग में मदद दे देती है। ऑल्दो रेफरेंस बुक्स सर्टन आर सर्टन टाइप्स ऑफ नॉन फिक्शन में बी डिजाइन फॉर बोरिंग और सेलेक्टिव रीडिंग। कुछ किताबें रेफरेंस बुक्स होती हैं जिनको मतलब हम मुसलसल नहीं पढ़ सकते, जैसे डिक्शनरीज। डिक्शनरी से आप कुछ ना कुछ अल्फाज पढ़ते हैं, या इंसाइक्लोपीडिया से। तमाम को पढ़ना जो है ना वो मेरे ख्याल में वो, या टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना कोई ख़ास नंबर निकालना होता। तो ये तो बुक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि बुक क्या चीज़ है। बुक एक वॉल्यूम होती है जिसमें टेक्स्ट, इलस्ट्रेशन, फोटोग्राफ्स वगैरह होते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, और ये इंफॉर्मेशन रीडिंग के लिए, रिसर्च के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और आइडियाज़ के लिए बहुत ज़्यादा इनकम पास करती है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ बुक्स फिक्शन भी होते हैं, नॉन फिक्शन भी होते हैं। नॉन फिक्शन वो किताबें जो कि हम टेक्स्ट कहलाते हैं, फिक्शन वो किताबें जो लोग इंटरटेनमेंट के लिए, अफसाने, ड्रामे वगैरह, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती है। अब अगली स्लाइड जो आखिरी स्लाइड है, इसमें हम सीरियल्स, जर्नल्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स को एक्सप्लेन करेंगे। सीरियल्स रेफर्स टू पब्लिकेशन दैट आर रिलीज इन अ सीरीज आर ऑन अ रेगुलर स्केड्यूल। सीरियल से अगर आप इसके लफ्ज पे गौर करें तो सीरियल का मतलब एक सीरीज़ की शक्ल में आ जाती होती है। इट माइट बी टिपिकली डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली। मतलब या तो डेली बेसिस पे ये सीरियल आते हैं, या वीकली, या मंथली, या क्वार्टरली बेस पे, इवन आजकल एनुअल बेस पे भी आ जाते हैं। दे इंक्लूड जर्नल्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स। अच्छा, ये जो सीरीज की शक्ल में आ जाती है, ये क्या चीज़ होती है? वो जर्नल्स भी, मैगजीन भी होते हैं, और शुमारियात जिसे कहते हैं, और अखबार, तरसीलात, अमंग अदर्स। हियर इज अ ब्रीफ डिफिनेशन ऑफ ईच। इसके अलावा इस पर हमने थोड़ी सी जो ना
रोशनी डाली भी अलग अलग जर्नल्स जर्नल्स आर स्कॉलरली आर एकेडमिक पब्लिकेशन दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक फील्ड्स आर डिसिप्लिन। अब जर्नल्स में और मैगजीन में फर्क भी आपको क्लियर हो जाएगा कि जर्नल्स स्कॉलरली या एकेडमिक पब्लिकेशन होती है जिसका काम एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन पे बहस करना होता है, सच एज साइंस, मेडिसिन, ह्यूमैनिटीज आर सोशल साइंसेज। आपने देखा होगा कि हर डिसिप्लिन के अलग अलग जर्नल आते हैं, जैसे मेडिकल साइंस के अलग आते हैं, इंजीनियरिंग के अलग, लाइब्रेरी साइंस के अलग आते हैं, इसी तरह उर्दू के मजलात होते हैं या इस्लामियात के अलग आते हैं, तो हर डिसिप्लिन के अलग अलग जर्नल्स आ जाते हैं। दे कंटेन्स आर्टिकल रिटन बाई एक्सपर्ट्स आर रिसर्चर्स इन द फील्ड्स। अच्छा, जो जर्नल में लोग कंट्रीब्यूट करते हैं वो बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं या स्कॉलरली वर्क होती है, और मतलब इसको एक रिगोरस पीयर रिव्यू की प्रोसेस से गुजारना होता है। प्रेजेंटिंग ओरिजिनल रिसर्च रिव्यूज आर एनालिसिस। इसका काम क्या करना है कि ओरिजिनल रिसर्च को प्रेजेंट करे या रिव्यूज को प्रेजेंट करती है या एनालिसिस को प्रेजेंट करती है। जर्नल्स आर ऑफन पीयर रिव्यूड, मीनिंग आर्टिकल अंडरगो इवैल्यूएशन बाय अदर एक्सपर्ट्स बिफोर पब्लिकेशन टू इंश्योर क्वालिटी एंड एक्यूरेसी। आपने देखा होगा कि जर्नल्स के जो आर्टिकल्स होते हैं अमूमन एक, दो या तीन पीयर रिव्यूअर्स से मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं उसी के नज़रों से गुजरती है, उसमें से जो गलतियां हैं कोताहियां वो निकालते हैं और फिर ओरिजिनल रिसर्च को वो अच्छी सूरत में पब्लिश करते होते हैं। और अमूमी तौर पे जो जर्नल्स रिकॉग्नाइज होते हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन या रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव होती है, तब जाके उसकी इम्पैक्ट होती है। कोई जर्नल प्रीडेटरी होती है जो कि जाली किस्म के लोगों ने ओपन किए होते हैं पैसे बटोरने के लिए। कुछ जो है ना रिकॉग्नाइज जर्नल्स होते हैं, तो रिकॉग्नाइज जर्नल में पब्लिकेशन को छापना थोड़ा सा मुश्किल रिगोरस जॉब है, लेकिन इसकी इम्पैक्ट बहुत अच्छी होती है। मैगजीन मैगजीन्स आर पीरियडिकल्स पब्लिकेशन दैट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। अब मैगजीन में क्या होती है, इसमें भी डिसिप्लिन वाइज मैगजीन आ जाते हैं, लेकिन इसमें वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स होते हैं। ये देख इंक्लूडिंग लाइफ स्टाइल, फैशन, एंटरटेनमेंट, करंट इवेंट्स, पोलिटिकल एंड मोर। आपने अगर मैगजीन को देखा होगा, मिसाल के इकोनॉमिस्ट को देखे या कोई ऐसा मैगजीन फॉरेन पॉलिसी को देखे या फॉरेन अफेयर्स को देखे, इसमें इकोनॉमिक्स के भी मजमून आ जाते हैं, फैशन के भी आ जाते हैं, एंटरटेनमेंट के भी आ जाते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के रिव्यूज इसी में आ जाते हैं, और ये वाइड रेंज टॉपिक्स को कवर करती है। करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स और इस तरह बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है। दे आर मोर ऑफन एम्ड एट अ जर्नल ऑडियंस एंड मे कंटेन्स आर्टिकल, एसे, इंटरव्यूज एंड फीचर्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। क्योंकि ये मैगजीन ये थोड़ी सी ब्रॉड होती है जर्नल, इसमें डिसिप्लिन मुख्तलिफ किए मतलब इनकम्पास किए जाते हैं। मैगजीन में ऑल्सो इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टीजमेंट जिसे कहते हैं, एंड ग्लॉसी विजुअल टू एनहांस देयर अपील। आपने देखा होगा कि मैगजीन में अक्सर तस्वीर भी बड़ी मतलब अट्रैक्टिव किस्म की होती है, लाइफ स्टाइल की, एंटरटेनमेंट की, फिल्म स्टार्स की, शोबिज की दुनिया की, स्पोर्ट्स की, मुख्तलिफ किस्म की जो है ना तस्वीरें जो कि रीडर्स को अपील कर देती है। क्योंकि जर्नल में ये सारी चीज़ें नहीं होती, वो एकेडमिक कैरियर बनाने के लिए होती है, तो वो थोड़ी सी सीरियस होती है। न्यूज़पेपर आर डेली आर वीकली पब्लिकेशन दैट प्रोवाइड न्यूज इंफॉर्मेशन एंड कमेंट्री ऑन करंट इवेंट्स, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस, कल्चर एंड अदर टॉपिक्स। न्यूज़पेपर जो ना या तो रोज़ाना के बेस पे छप जाती है या वीकली बेस पे, और या कुछ समटाइम जो ना बाई वीकली भी आ जाते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन मुहैया करती है, कमेंट्री मुहैया करती है करंट अफेयर्स पे, पॉलिटिक्स पे, स्पोर्ट्स पे, बिजनेस पे। ये थोड़ी सी जर्नल मैगजीन से भी थोड़ी सी ब्रांड है। साइंटिफिकली इंक्लूड आर्टिकल्स रिटन बाय जर्नलिस्ट एंड रिपोर्टर्स। आपने देखा होगा कि आर्टिकल्स और ओपेड जिसे कहते हैं ओपिनियन एडिटोरियल या रिपोर्ट्स, इसमें अलग पेज पे छापे जाते हैं, वेल एज एडिटोरियल ओपिनियन पीस लेटर टू एडिटर एंड एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट भी इसमें आ जाती है, नौकरियों की एप्लीकेशंस वगैरह या एडवर्टाइज आ जाते हैं। न्यूज़पेपर सर्व्स टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज एंड आर ऑफन कंसिडर एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मैनी पीपल। आपको पता है कोई भी चीज़ जब पहले पब्लिश होती है न्यूज़पेपर में आ जाती है, वो एक इशू बन जाती है, उसी इशू को बाद में जाके मैगजीन में और मैगजीन से बाद जो है ना जर्नल्स में। तो सीरियल्स की समझ आपको आई होगी, सीरियल्स में जर्नल्स मैगजीन न्यूज़पेपर सारे आ जाते हैं, वो एक सीरीज में सारे आ जाते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि जर्नल भी क्वार्टरली, मंथली और बाई एनुअल और इसी तरह जो है इसके मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज होती है, इसी तरह मैगजीन्स के भी फ्रिक्वेंसी होती है, मंथली, बाई मंथली या क्वार्टरली बेस पे, और इसी तरह न्यूज़पेपर ये डेली बेस पे मुख्तलिफ किस्म के इंफॉर्मेशन मुहैया करती है। मुझे उम्मीद है आज की लेक्चर पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लर्निंग विद आबिद यासीन को सब्सक्राइब करें। अपनी यूट्यूब पे मुझे कमेंट्स भी और फीडबैक से भी नवाजते रहे ताकि इसमें से हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें कवर करें आपकी जो है ना चॉइस के मुताबिक। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।